नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जिसमें अभी काफी तेजी देखने मिला है, जो कि हमने पीछे के वीडियो में आपको बताया भी थे। ये सारे के सारे शेयर पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा आप बेहतर रिटर्न अभी प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए इन शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो शेयर में काफी तेजी देखने मिल रहा है और ये आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ये 5 शेयर है जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, हर गिरावट पर जब भी मिलता है तो बाय ऑन डिप्स। तो पहले देख लीजिए फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री। तो ये हमने आपको बताया था कि ये पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है और ये कंपनी जो है काफी बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है। ये नया लिस्टिंग कंपनी है, देखते हैं ज्यादा पुराना नहीं है, 2018 में ही कंपनी लिस्ट हुई है और 2018 से अभी तक में देख लीजिए 243% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। तो काफी बेहतरीन रिटर्न है इस कंपनी का। तो आज ये देख लीजिए 20% का अपर सर्किट, इतना महंगा शेयर, 2769 रुपीज का शेयर और उसमें 20% का अपर सर्किट, कोई छोटा मोटा सर्किट नहीं लगा, 20% का अपर सर्किट लगा है, तो कितना बेहतरीन शेयर है। उसके बाद आप देखते हैं अगला जो शेयर है हमारा, वो है इंडिया मार्ट इंटरमेस लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट चलाती है ये कंपनी और काफ़ी बेहतरीन शेयर है क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस लगातार ग्रो होगा, कोई भी पैंडमिक का असर नहीं पड़ने वाला है, कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए 2019 में कंपनी लिस्ट हुई और 171% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आज 11% की तेजी, तो देख सकते हैं इतना महंगा शेयर और इसमें एक दिन में 11% का तेजी देखने मिलता है। 17 जुलाई से अभी तक में ये 75% अप हो चुका है, तो काफ़ी तेज मोमेंटम है। तो इन सब शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए। उसके बाद अगला है SRF लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है और ये शेयर काफ़ी पुराना लिस्टिंग है और ये शेयर देखिएगा तो काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है और आने वाले समय में भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है पूरा डाइवर्सीफाई है और ये भी एक MNC कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो आपको एक बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आने वाले समय में आपको एक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हर गिरावट में इन्वेस्ट करना, अभी तेज़ी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तेज़ी में आप फंसेंगे तो फिर पछताएंगे, तो इसलिए जब भी गिरावट आता है मौका मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगला HDFC AMC, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें गिरावट देखने मिला था, अभी देख लीजिए काफ़ी गिरावट, यहाँ देख लीजिए ये 2330 रुपये तक आ चुका था, देखते हैं 12 अगस्त को 2330 रुपया, ये जो OFS है ऑफर फॉर सेल था उससे भी नीचे के प्राइस पे आपको मिल रहा था, अगर आपने वहाँ पे भी बाय नहीं किया तो फिर दिक्कत है। तो ये इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ही दिन में देख 75 रुपीज़ अप है, तो इसी तरह से 3-4% का एक ही दिन में तेज़ी और बहुत जल्द ये रिकवर कर लेगा, जैसे मार्केट में तेज़ी बना रह गया और एक महीना, तो एक मंथ में ये जो है 3000 के अप्रॉक्स चला जाएगा अगर एक मंथ और तेज़ी बना रहता है। जिस दिन इसमें तेज़ी देखने मिलेगा तो आपको लगातार 2%, 3% इस तरह का तेज़ी देखने मिलेगा इस कंपनी में और काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये कंपनी। उसके बाद जो हमारा अगला शेयर है वो है PI इंडस्ट्रीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है और ये शेयर जो है एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। ये शेयर के सामने बजाज फाइनेंस आप बात कर लीजिए, विप्रो बात कर लीजिए, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए चार्ट पे 1995 से देख रहे हैं, 1995 से अभी तक का रिटर्न देखिएगा तो बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप बजाज फाइनेंस को भी भूल जाएंगे इसके सामने, अगर आप इसको गिरावट में बाय किए होते जैसे 1999 के गिरावट में, चाहे 2001 के गिरावट में कभी भी बाय किए रहते तो वहाँ से देख लीजिए 225,000% का रिटर्न, बजाज फाइनेंस भी आपको 1-1.5% का रिटर्न देता हुआ मिलेगा, ये आपको 200,000 से भी ज़्यादा। अगर आप 2001 के गिरावट में बाय करते तो देख लीजिए 2001 के गिरावट में 4,32,000% का रिटर्न, 4,32,000% का रिटर्न अगर 2001 के गिरावट में बाय करते, तो इसलिए जो गिरावट होता है अच्छे स्टॉक्स में वो एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें उस स्टॉक में, क्योंकि काफ़ी वैल्यू लो हो जाता है, काफ़ी सस्ता स्टॉक हो जाता है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये भी, इसका भी बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई है, तो SRF, PI इंडस्ट्री ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाले कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टॉक है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इस कंपनी का भी रिटर्न देखेगा तो काफ़ी
जबरदस्त है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पैंडमिक से पहले जो देख सकते हैं 5000% का रिटर्न दे रहा था, अभी भी देखिएगा तो ये 4000% का रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पर आप कभी गिरावट में बाय करते हैं, जैसे 2011 से ये है, मात्र 2011 से ये रिटर्न आप देख रहे हैं। अगर आप इसका देखना चाहते हैं 2001 से तो ये भी काफ़ी 50000% तक का रिटर्न दिया है। अगर 2012 से देखिएगा तो 2012 से भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया। देखिए 2012 से 2011 से वहाँ से भी देख सकते हैं 5000 के अप्रॉक्स रिटर्न, मात्र आपको 8 साल में 5000% का रिटर्न दे रहा है। और ये कांस्टेंट है रिटर्न के रूप में, अभी पैंडमिक में सिर्फ इसमें गिरावट नहीं तो ये 800 से ऊपर का स्टॉक था, अभी पैंडमिक में आपको ये गिरावट में मिल रहा है। ये स्टॉक्स 500 के अप्रॉक्स आ चुका था, अगर वहाँ पर इन्वेस्ट किए रहते तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न प्राप्त होता। जैसे पैंडमिक में ये 500 पा चुका था स्टॉक्स, और 500 से रिकवर करके ये फिर से 800 के आसपास चला जा चुका था, वहाँ से फिर से गिरावट आया और फिर से ये 570 पर बहुत सारे लोगों ने खरीदा, हमने बताया था 570 पर इस स्टॉक को, और वहाँ से देखना फिर से ये 10% अप है, 638 रुपीज़ पर आ चुका है। तो काफ़ी तेज़ रिकवरी हुआ, गिरावट हुआ एक दिन में तो रिकवरी भी एक ही दिन में हो गया, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये भी अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा पैंडमिक का असर आपको इस स्टॉक पर देखने मिलेगा, लेकिन जैसे ये सारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी कंपनी का जो बिजनेस है सिर्फ लॉकडाउन से प्रभावित होगा और कंपनी के फंडामेंटल्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारे बेहतरीन शेयर थे जिसमें अभी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है और आगे आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। सिर्फ तेज़ी नहीं, ये सारे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो इसमें से आप 3-4 स्टॉक चूज कर सकते हैं, और अलग अलग स्टॉक्स हम बताते रहते हैं, वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।